जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं देवेश। दोस्तों, अभी सुबह हमने चर्चा करी थी कि जिस भारतीय शिपमेंट को टर्की ने रिजेक्ट किया, उस शिपमेंट को इजिप्ट ने भी लेने से मना कर दिया। इस प्रकार भारतीय गेहूं का शिपमेंट समुद्र में खड़ा है, वह ना घर का बचा ना घाट का। लेकिन इसी बीच इजिप्ट की तरफ से आई है एक बहुत अच्छी खबर। दरअसल भारत में इजिप्ट के राजदूत ने कंफर्म किया है कि टर्की को जाने वाला जो शिपमेंट था वह तो इजिप्ट ने नहीं लिया है, लेकिन भारत से जो गेहूं का शिपमेंट डायरेक्ट इजिप्ट पहुंचा है उसे इजिप्ट ने स्वीकार कर लिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले इजिप्ट से पूरा का पूरा डेलीगेशन भारत में आया था। उसने भारत में गेहूं की स्टोरेज की फैसिलिटीज देखी, इंस्पेक्शन कैपेबिलिटीज देखी। उसके बाद दोनों देशों की सरकारों के बीच गठबंधन हुआ, उसी के अनुसार भारत ने गेहूं भेजा था। अच्छी बात भारत ने एग्रीमेंट में यह की कि हमने गेहूं लोड करने के पहले उसकी टेस्टिंग करवा ली, मतलब लोडिंग होते समय हमारा गेहूं अव्वल दर्जे का था, इजिप्ट के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पालन कर रहा था। इसलिए जाहिर है भारतीय गेहूं को अपने बंदरगाह पर उतारने में इजिप्ट को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इजिप्ट के एम्बेसडर का यह भी कहना है कि इजिप्ट अपने वादे से पीछे नहीं हटता है। भारत ने इजिप्ट की शर्तों के अनुसार गेहूं भेजा है, इसलिए इजिप्ट गेहूं एक्सेप्ट कर लिया है। और भविष्य में भी आपसी एग्रीमेंट के अनुसार यदि भारत गेहूं भेजता रहेगा तो इजिप्ट गेहूं खरीदता रहेगा, बराबर अनलोडिंग चालू रहेगी। तो इस प्रकार कुल मिलाकर भारतीय गेहूं की इमेज के ऊपर बट्टा लगने से तो बच गया। हाँ, दिक्कत आई है सिर्फ एक शिपमेंट को लेकर जो टर्की ने रिजेक्ट किया है और इजिप्ट भी उसे नहीं ले रहा है। अब उस शिपमेंट का क्या होगा वह आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन उस शिपमेंट के लटकने का भी भारत को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आईटीसी ने वह शिपमेंट एक दूसरी कंपनी को बेच दिया था। वह कंपनी टर्की को बेचने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही टर्की ने उस गेहूं को रिजेक्ट मारा तो उस कंपनी ने होशियारी दिखाई और उसने कोशिश की कि लगे हाथों पड़ोस में इजिप्ट को वह गेहूं थमा दो। लेकिन इजिप्ट को भी अपने पेड़ पौधे प्यारे हैं, वह क्यों चाहेगा कि जिन कीड़ों को टर्की ने रिजेक्ट किया है वह कीड़े इजिप्ट में घुस आए, इसलिए इजिप्ट ने भी वह शिपमेंट नहीं लिया। अच्छी बात यह है कि कम से कम भारत और इजिप्ट के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है वह बराबर जमीन पर लागू हो रहा है और इजिप्ट ने उसको स्वीकार करते हुए अनलोडिंग भी करवा दी है। हम उम्मीद करते हैं इस पूरे घटनाक्रम से खास तौर पर प्राइवेट कंपनियां सीखेंगी और भारत से गेहूं खरीदकर वह मन माफिक किसी भी देश को गेहूं नहीं बेचेंगी। अब दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखें तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर जो प्रतिबंध लगाया था वह कितना सही था। भारत सरकार ने जो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा होने वाले एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी, सरकारों के लेवल पर जो गेहूं का एक्सपोर्ट हो रहा है वह चालू रखा था। यदि अभी और होता प्राइवेट कंपनियों के लेवल पर ट्रेड, तो हो सकता है इसी तरह अन्य देश भी भारत का गेहूं रिजेक्ट करते रहते, पूरा कंफ्यूजन फैल जाता, असमंजस रहता। इसलिए देर आए दुरुस्त आए, भारत सरकार ने जो किया अच्छा किया, भले ही उसमें थोड़ी देर लगा दी। अब चूंकि भारत सरकार सरकार से सरकार के स्तर पर एग्रीमेंट करके भारतीय गेहूं एक्सपोर्ट कर रही है, इसलिए हमें उम्मीद है कि भविष्य में इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी और भारतीय गेहूं की जो इमेज है वह दुनिया में चमकती बनी रहेगी। अब दोस्तों, आज हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स का इंट्रोडक्टरी सेशन भी आयोजित किया था, उसमें भाग लेने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो देखने के लिए भी आपको धन्यवाद। जय श्री राम।